आजकल के समय में अधिकतर लोगों में बीपी की बीमारी देखने को मिलती है, जिस वजह से लोग गोली खाने के लिए भी मजबूर रहते हैं। किसी को हाई बीपी तो किसी को लो बीपी के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी हाई बीपी और लो बीपी की शिकायत है तो आप योग के आसन करके अपने बीपी पर कंट्रोल पा सकते हैं। जी हाँ, योग के कुछ ऐसे प्राणायाम और आसन हैं जिनको करने मात्र से आप अपने हाई बीपी और लो बीपी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित योगा अभ्यास करने की ज़रूरत है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमने योग निलयम शोध संस्थान के ट्रेनर अमितेश सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। जी बिल्कुल, आजकल अगर बात करें लो बीपी और हाई बीपी की, ये बहुत अधिक बढ़ रहे हैं और मेनली हाई बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपकी हार्ट रेट को बहुत फास्ट कर देता है और बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी माइंड पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो हम हाई बीपी को किस प्रकार हम सही कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मुख्य योगाभ्यास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बहुत अधिक योगाभ्यास है, मुख्य योगाभ्यास के अंदर जैसे कि हम बात करते हैं बालासन की। बालासन एक रिलैक्स आसन है जिसको करने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपके ब्लड रिलैक्स होगा, आपके माइंड भी बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स होगा। तो बालासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पर बैठ जाएं, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने दोनों हाथ अपने पैरों के पीछे रखते हुए माथा जमीन पर रख के एकदम रिलैक्स करें। बस सांस भरें और सांस छोड़ें, यहीं पर पूर्णतः रिलैक्स कुछ देर। और दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, दंडासन की स्थिति पर बैठ जाएं, बस धीरे से दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने पैरों के अंगूठे को आप पकड़ सकते हैं। अगर नहीं भी पकड़ पाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कमर को स्ट्रेट करें, बस सांस छोड़ते हुए अपने हेड को ड्रॉप करें, बस उसमें कुछ देर क्षण विश्राम करें, सांस लें सांस छोड़ें 2 से 3 सांस, उसके बाद वापस अपनी स्थिति पर आ जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्राणायाम की। प्राणायाम में जैसे कि है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम आपकी बॉडी को शीतल करता है, जैसे सूर्य और चंद्र, हमारे शरीर पर 2 नाड़ियाँ होती हैं, सूर्य नाड़ी जैसे कि सूर्य गर्मी देता है और चंद्र शीतलता देता है, तो उसी प्रकार हमारी बॉडी पर भी चंद्र नाड़ी है जिससे बाई नाड़ी। तो हमें बस इस पर क्या करना है, अपने दाएं थंब से दाएं नॉस्ट्रल बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको इनहेल करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हुए धीरे से राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। बस आपको ध्यान देना है चंद्रभेदी प्राणायाम करते हुए आपको दाएं नॉस्ट्रल से सांस नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ बाएं नॉस्ट्रल से सांस लेते हुए दाएं नॉस्ट्रल से उसे खाली करना है। इसके पश्चात हम बात करते हैं एक और प्राणायाम, बहुत ही अच्छा प्राणायाम, जिसे कहते हैं हम शीतली प्राणायाम। इसके नाम से ही जैसा है कि शीतलता प्रदान करता है शीतली प्राणायाम। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अपनी जिह्वा को बाहर निकालना है, जिह्वा को बाहर निकालते हुए ओ का आकार बनाना है, फोल्ड करना है, अपनी श्वास अपनी जिह्वा से श्वास का पान करना है और धीरे से उसे गटक लें। पेट पर हल्का सा अगर चला सके तो चलाएं, वरना धीरे से उसे अपनी नासिका दोनों नासिकाओं से बाहर कर दें। इसके बाद हम बात करते हैं लो बीपी की, जिसको हाइपोटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। वही चीज़ कि आपको लो बीपी में आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास जितना अधिक करते हैं आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा एक्टिव होती जाती है और बॉडी पर ब्लड का संचार अधिक होता है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं भस्त्रिका की। भस्त्रिका करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन पर बैठ सकते हैं, चाहे आप पद्मासन लगा लें, नहीं लगता तो सुखासन या वज्रासन की स्थिति पर भी आप बैठ सकते हैं। उसके लिए बस आपको श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है। इसके लिए जिस प्रकार हम कपालभाति में सिर्फ एक्सहेल और एक्सहेल करते हैं, तो बस भस्त्रिका पर अंतर इतना है कि हमें श्वास लेनी भी उसी स्थिति पर होती है, श्वास छोड़नी भी उसी प्रकार होती है, यानी लोहार की धौकनी के समान निरंतर आपको श्वास लेनी और छोड़नी है, जिस क्रिया को आपको धीरे धीरे करके तेज करते रहना चाहिए। अगला प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम जैसे कि हाइपरटेंशन के लिए हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं, उसी प्रकार हाइपोटेंशन के लिए हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए आपको दाई नासिका से श्वास लेनी होती है और उसे बाई नासिका से छोड़नी होती है। इस पर आप बाई नासिका से श्वास नहीं लेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं कपालभाति की। कपालभाति करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन पर वापस बैठ जाएं, आप सुखासन पद्मासन पर बैठ सकते हैं या सिद्धासन पर बैठ सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक गहरी सांस भरनी है, गहरी सांस छोड़ते हुए पेट को खाली करें और धीरे धीरे अपने पेट पर एक्सहेल एक्सहेल एंड एक्सहेल करते जाएं, सांस छोड़ते जाएं, सांस धीरे धीरे अपनी सांस कम से कम और स्पीड पर बढ़ाते जाएं।
यदि जिस किसी को भी हाई बीपी और लो बीपी है, अगर वह नियमित रूप से इन योग के आसन को करता है तो वह अपने बीपी पर कंट्रोल पा सकता है और कई बीमारियों से भी दूर रह सकता है। उत्तराखंड के अनुभव से रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।